हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं हाजिर हूँ आपके सामने केमिस्ट्री की बेहतरीन सी क्लास लेके। तभी थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन आप फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। चलें बदलते मौसम की दे दें, चलें। देखिए बात करते हैं, लेक्चर नंबर 17 आज हमारा स्टार्ट हो जाता है। और आज हम बात करेंगे सॉप एंड डिटर्जेंट्स की। कार्बोनेट कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। आज या कल से बायोलॉजी के लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बता दें बायोलॉजी में आपको पहले क्या चाहिए, ठीक है, वो पहले मिलेगा। चलें बात करते हैं आगे। तो देखिए जरा टॉपिक हमारे सामने लिखा हुआ है सॉप एंड डिटर्जेंट्स। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं सॉप की। सॉप का मतलब होता है साबुन, ठीक है। नॉर्मली हम घर में दो तरीके के साबुन यूज करते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट साबुन जो होता है ना, आपने नोट किया होगा, उससे क्या होता है हम नहाते हैं। और एक होता है क्या, हार्ड सोप होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े वगैरह को साफ किया जाता है। कई बार कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट यही सर्फ जिसको आप बोलते हैं उसका भी यूज कर लिया जाता है। जैसे डर्मा हुआ, व्हील हुआ, टाइड हुआ, ये सब क्या आते हैं डिटर्जेंट की कंडीशन में आते हैं, ठीक है। चलिए जरा कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए यहां से आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सोप की अगर मैं बात करूं तो सोप से अपनी बात लिखना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे जरा नंबर वन, सॉप का मतलब साबुन, ठीक है। ये होता क्या अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान रखेंगे आप क्या, सॉप इज द लार्ज चेन ऑफ सोडियम। देखो सोवन साबुन क्या काम करता है, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, जो दाग होते हैं, उनको दूर कर देता है, समझ में आ रही है बात। और दूर करने के लिए किसी चीज को वहां से रफ करने के लिए उसमें किसका यूज होना बहुत जरूरी है, सोडियम यानी Na का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोडियम साल्ट का, ठीक है। सोडियम साल्ट की क्या होती है, एक लार्ज जेन होती है, समझ में आ रही है बात। लार्ज कहते हैं या लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग लिख लो, लार्ज यहाँ पर सही नहीं लगेगा, लॉन्ग चेन यहाँ पर सही। जितनी ज्यादा लॉन्ग चेन होती है उतना ही ज्यादा अच्छा साबुन और डिटर्जेंट माना जाता है, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, लार्ज बनेगा, लॉन्ग बनेगा, अच्छा साबुन आपका बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखेंगे ना क्या बताया गया, सोडियम इज द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहां तक बात समझ में आ गई। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पर फैटी एसिड भी आप बोल सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको फैटी एसिड भी लिखा मिलेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, फैटी एसिड भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चले आगे की बात को आज करते हैं। और ये क्या काम करता है, याद रखना, विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लींजिंग, साफ करने का काम करता है, ये समझ में आ रही है बात, यानी क्लीन करने का काम करता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखेंगे ना आगे की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान रखेंगे आप, सॉप है यानी सॉप के अंदर लॉन्ग चेन के अलावा और क्या क्या होता है, याद रखेंगे आप, लार्ज कार्बन क्या होते हैं इसके अंदर, लार्ज क्या होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं, कार्बन नहीं हाइड्रोकार्बन होते हैं, नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर बात समझ में आ रही है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ग्रुप होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। और इसके साथ साथ में हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ साथ और क्या होता है इसमें, इसमें एक आयोनिक ग्रुप भी होता है, एक आयोनिक ग्रुप भी होता है। क्लियर बात समझ, और वो ग्रुप क्या होता है यहां पर ध्यान देंगे आप, याद रखेंगे आप, Na प्लस। इस पार्टीशन के दो पार्ट बटे होते हैं, एक पार्ट तो माइनस में होता है, देखो जैसा मैं नॉर्मली पढ़ा था एसिटिक एसिड CH3COOH, मैंने आपको यहां पर बताया था कि CH3COOH जो होता है ये माइनस का होता है, ये पार्टीशन बटे होते हैं, ये पूरा का पूरा माइनस का होता है और ये हाइड्रोजन प्लस का होता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई, क्लियर है इतनी बात। अब यहां से आगे की बात को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे, क्या होगा, COO माइनस का कंपाउंड होता है पूरा का पूरा, और एक पार्ट इसका प्लस का होता है जिसको हम सोडियम बोल रहे हैं, Na।
क्लियर बात समझ में आ रही, ठीक है। तो यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखो दो तरीके के यहां पर कंपाउंड आप देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा यहां पर कौन सा कंपाउंड मिलेगा, सोडियम स्टीयरेट, इसको ठीक कर दो, सोडियम स्टीयरेट मिलेगा। क्लियर बात, इसका फॉर्मूला कितना होता है याद रखिएगा, उसी तरह H35 CW-Na+। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है, सोडियम स्टीयरेट क्या होता है, ये सोडियम स्टीयरेट आप ये समझ लीजिए साबुन है, ये साबुन का फॉर्मूला है, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई साबुन का फॉर्मूला पूछे तो आप सीधा सीधा क्या बताएंगे, सोडियम स्टीयरेट होता है, क्या होता है फॉर्मूला, C70H35CW-Na+। ये पूरा का पूरा कंपाउंड C70H35CW-Na का होता है, और केवल एक पार्ट इसका सबसे लास्ट वाला जिसको हम हेड बोलते हैं, पढ़ाऊंगा आगे हेड क्या होता है टेल क्या होता है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, ठीक है। इसका एक पार्टीशन और हो जाता है, समझ में आने बाद एक पार्टीशन और हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, एक पार्टीशन और जो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी आप लिख लें, सोडियम पालमिटेट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, C35CW-Na+। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, बस नंबर ऑफ कार्बन थोड़े से यहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम स्टीयरेट की अगर बात करेंगे तो C17H35 होता है, याद रखेंगे आप, और सोडियम पालमिटेट की बात करेंगे तो C15H31 होता है। क्लियर आ गई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा, फिर दोबारा से सुन लेंगे। सोडियम क्या होता है, लॉन्ग चेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है, वो आपने देख लिया यहां पर। अच्छा, इसका आयोकारिक ग्रुप कौन सा होता है, इसके अंदर याद रखेंगे CW-Na+, और सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला कितना होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। नीचे का जरूरत नहीं, बस ऊपर का नाम याद रखेंगे, इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात क्लियर बेटा, चले क्लियर समझ में आ रहा है, वो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आज, बाकी तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलो मजे के साथ पढ़ते रहिए अपने एग्जाम के लिए, जबरदस्त तरीके से लगते रहिए मेहनत में, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड्स आप जैसे भी आपकी कंडीशन, जैसे भी आपकी तैयारी है, और पूरी मेहनत के साथ देना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि हम नहीं करेंगे या जितना है उतना भी पढ़े जाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहां विद्यार्थी जीवन की एक सबसे बड़ी बात आप समझते क्या होती है, विद्यार्थी जीवन की एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जहां से है ना वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बात हमेशा अपने मन के अंदर रखना। समझ में आई बात है नहीं, हाँ चले आगे की बात को स्टार्ट करते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। चलो जी, सोडियम स्टीयरेट, अगर मैं बात करूं सोडियम स्टीयरेट की, देखना जरा भाई, अगर मैं सोडियम स्टीयरेट की बात स्टार्ट करूं तो देखो जरा। अच्छा, मैं फॉर्मूला अगर आपसे पूछूं इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन के लिए मैं बात कर देता हूं, इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है बनाने का, वो पहले आप समझ लें। देखो बनाने का मेथड क्या है, आप पे कंपाउंड है और उस कंपाउंड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी, समझ में आ रही है बात। और याद रखना यहां पर क्या निकलेगा, RCOO-Na, और यहां पर निकलेगा एल्कोहल। अब एल्कोहल का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, कुछ भी आप यहां पर आ सकता है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक टाइप होती है, समझ में आ रही है, इसको लिख लेंगे आप यहां पर, ये टाइप है, समझ में आ रही है बात, क्लियर बात समझ में आ रही है। अब पढ़ते हैं क्या कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, यानी कि सैपोनिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, समझ में आ रही है बात, यानी अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन क्या होता है, देखो जरा ध्यान से क्या रखेंगे, इस तरीके के कंपाउंड आपको लेना है, और ये कंपाउंड किस तरीके से डिवाइड रहेगा, तीन पार्टीशन में डिवाइड रहेगा, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात, ये तीन पार्टीशन में डिवाइड, अच्छा बाद में मिलेगा, इसको फिलहाल ऐसे लिखें,
H2H ये बाद में ऐड होके बनेगा, है ना, यहाँ पर गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। कार्बन से कार्बन ही बॉन्ड में मिलता है, समझ में आ रही है बात यानी। और यहाँ पर इसकी हम जो रिएक्शन कराएंगे वो NaOH से कराएंगे, क्लियर आ गई बात। अगर मैं पूछूं आपसे क्या बनेगा, तो देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले सोडियम स्टीरेट आपको बना रहा है, तो इतना पार्टीशन अलग हो गया। अच्छा इसको मैं बताया था, लो जी देखो जी इतना पार्टीशन तो अलग हो गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक की तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। देखो C70H35 और C00 अलग हो गया, बाकी वहां से क्या मिलता है, तीन NaOH और मिल जाते हैं साथ में, तो थ्री शुरू करने लगा तो भाई ये भी तीन है और ये भी तीन है और Na आ गया, समझ में। अब देखो OH कितने आपके पास, तीन OH है, और क्या क्या बचा है, और इसके साथ में क्या क्या बचा है आपके पास, देखो जरा यहां से अगर मैं पूछूं आपसे तो यहां पर एक कंडीशन बन जाती है क्या, CH2OH, CHOH और CH2OH, और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, और इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। बताना जरा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे में। ये बन गया आपका साबुन। अगर मैं सिंबल की बात करता हूं या नोटिफाई कैसे करेंगे इसको आप, तो याद रखना सी कार्बन कितने हैं, देखो कार्बन कितने 17। अब एक बॉन्ड पे अगर मैं बात करूं तो दो कार्बन होते हैं, क्या है क्या, चलो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, समझ में आए कि नहीं आई बात, आई के लिए यही बात समझ में बताना जरा। ये पोर्शन बनेगा और ये पोर्शन, इस पोर्शन का नाम कितना होगा, C17H35 C00- और साथ में क्या होगा अलग से Na+। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है, तो देखो जरा भैया इस पार्टीशन को बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं हेड, और इस वाले पार्टीशन को बोलते हैं टेल। बताओ जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। इस वाले का नाम है पोलर पार्ट, पोलर एंड या पोलर पार्ट, आ रही कि नहीं आ रही। इस वाले का नाम क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्या नाम होता है इसका, नॉन पोलर पार्ट होता है। क्लियर बात समझ में आ रही, आप देखिए ना इस वाले पार्ट को बोलते हैं याद रखना C70H35C00- वाले पार्ट को, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है सपोनिफिकेशन का, और याद रखेंगे साबुन के फॉर्मूले का वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिया पार्ट होता है, कैसा होता है हाइड्रोफोबिया, समझ में आ रही है बात। और अगर हम बात करें पॉजिटिव वाले पार्ट की तो याद रखना इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्लियर बात समझ में आ रही है, ये वाला जो पार्ट होता है माइनस वाला, ये याद रखना वाटर हीटिंग होता है यानी पानी से दूर भागता है, और अपने साथ में धूल मिट्टी के कण लेके भी निकलता है, ठीक है। और ये वाला कैसा होता है, ये वाटर लविंग होता है यानी ये पानी को प्यार करता है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। पॉजिटिव वाला पार्ट पानी को प्यार करता है और नेगेटिव वाला पार्ट पानी से दूर भागता है, ये बात याद रखेंगे आप, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी की बात तो फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे ये कपड़े साफ करता है, डिटर्जेंट और आपका साबुन, ठीक है। चलो पहले सॉप के बारे में पढ़ेंगे, देखिए जरा इतनी बात क्लियर हो गई आपको, यहां तक कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी की फिर बात मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो जी इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात को स्टार्ट करते हैं, अब देखेंगे आप, देखो
आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आगे से बायो की क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। बायो भी और फिजिक्स का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बच्चा। चलो साथ में एक सैंपल पेपर की सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखेंगे आप। सैंपल सीरीज में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर और सैंपल में दोनों चीजें आपको कराऊंगा, ठीक है। तो उसको देखना ना भूलें और याद रखें। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं, देखिए सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप का एक्शन कैसे कैसे होता है। देखो दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो मिशेल का डायग्राम दिखाई दे रहा है और एक सोप मिशेल एंट्रैप ऑयल पार्टिकल्स, समझ में आ गई बात। चलो एक डायग्राम डिटर्जेंट जब हमने कहा डाला पानी के अंदर डाला तब कैसा था, और साथ में जब एक कपड़ा भी हमने डाल दिया डस्ट पार्टिकल जब हमने इसके अंदर डाला तो भी ये कैसा काम करेगा उसको हम देख लेते हैं, समझ में आ रही है। चलो देखिए सोप मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट देयर टू एंड्स। सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया गया एक पोर्शन CH3CO कैसा होता है माइनस का और Na+ जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है। देखिए ना इट्स वन एंड इज हाइड्रोफिलिक सोल्यूबल इन वाटर एंड द अदर इज हाइड्रोफोबिया सोल्यूबल इन फैटी ऑयल, ये मैं आपको बता दिया मैंने। एट द सर्फेस ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया एंड ऑफ द सोप, हाइड्रोफोबिया यानी साल्ट वाला जो पार्ट है, फैट ऑयल वाला जो पार्ट है, ठीक है। सोप विल बी इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोप विल अलोंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद आयोनिक एंड इन द वाटर एंड हाइड्रोकार्बन टेल आउट ऑफ द वाटर, समझ में आ रही है। यानी जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट है ये सब क्या हो जाएंगे, ये धूल का जो कण है पार्टिकल जो है डस्ट पार्टिकल इसको पकड़ लेगा और क्या बना देगा, इस तरीके से गोल ये बीच में जो सेंटर में बना रखा है इस तरीके से बना देगा, क्लियर बात समझ में आ रही। देखेंगे इधर आगे इनसाइड वाटर दिस मॉलिक्यूल शो आ यूनिक ऑरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। ये क्या करेंगे, जिसको यूनिक पोर्शन है जो मिट्टी वाला पोर्शन है इसी हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे इसको पकड़ लेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। दिस इज डन बाय फॉर्मिंग क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिसेल टू वॉश अवे द डर्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिशेल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ क्लोथ्स इट इज आइदर स्क्रब्ड और बिटन और अगेंस्ट इन वॉशिंग मशीन इन द फॉर्म ऑफ मिशेल सोप इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट इज बींग कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिशेल, ठीक है। मिशेल स्टे एज कोलाइड्स इन द सोल्यूशन एंड डज नॉट कम टूगेदर टू प्रिसिपिटेट ड्यू टू द आयंस आयंस रिपल्शन, क्लियर इतनी बात। चले अब देखेंगे इससे आगे की अगर मैं बात करूं, मिशेल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से पोर्शन को क्लीन करेगा और क्लीन करने के बाद क्या होगा, क्लीन करने के बाद क्या होगा वहां से वो जितना भी CH3CO मैंने आपको बताया। देखो एक बात यहां से ध्यान रखेंगे CH3CO- और Na+ ये वाला जो पोर्शन होगा ये कहां रहेगा, ये बीच में रहेगा। देखो डायग्राम में भी आपने दिखा होगा इस तरीके से ये वाला पोर्शन है हमारा और ये पॉजिटिव वाला बाहर होता है जिसको हम बोलते हैं Na, ऐसी ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बाहर होता है, ऐसी ये वाला पोर्शन है, ये बाहर, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको याद रखना ये क्या है, ये CH3CO- वाला पोर्शन जो होता है वो जो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं ना इसके ऊपर क्या होता है ऑयली डॉट्स लगे होते हैं उनको क्या करता है गोल कर लेता है, समझ में आई बात। गोल करके उसको वहां से अलग निकाल देता है और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन आपका बचता है ये अलग निकल जाता है, क्लियर बात समझ में आ गई। चलो इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा अब यहां से ध्यान रखेंगे आप इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, एक बात याद रखिएगा इसका हेडिंग डाल देंगे आप। अगर मैं पूछूं आपसे इसकी लिमिटेशन क्या होती है, देखो जी वाटर के अंदर क्या पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बात याद रखना। वाटर के अंदर क्या मिलता है, देखो अब याद रखना जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर कंटेन्स क्या कंटेन करता है हार्ड वाटर, याद रखेंगे आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर के अंदर क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, ये बात याद रखेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, ये जरूर याद रखना, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात को स्टार्ट कर देते हैं, आपका सोप यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं डिटर्जेंट्स, ठीक है बेटा। डिटर्जेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे आप,
और क्या होता है, देखो उससे पहले अगर मैं पूछूं आपसे, दो क्वेश्चन आते हैं शॉप के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, व्हाई शॉप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर। ठीक है, यानी हार्ड वाटर के साथ जो सोप होता है वो क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है। क्यों? अभी अभी मैंने आपको बताया कि वाटर के अंदर क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जिसको केवल कौन कवर कर पाता है, डिटर्जेंट कवर कर पाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सोप नहीं कर पाता है। देखिए इसका आंसर मैं देखूं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बिकॉज व्हेन द सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर टू फॉर्म इन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। समझ में आ रही है? ये क्या बनाएगा? स्कम यहां पर बनाएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप्स इज नीडेड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स व्हेन द वाटर इज हार्ड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया, व्हाई सोप डज नॉट गिव लेदर इजिली विद हार्ड वाटर। जो लेदर का कपड़ा होता है उसको सोप साबुन क्या करती है, अच्छे से धो नहीं पाती है, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो अच्छे से उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है। बिकॉज इट फर्स्ट रिएक्ट्स विद कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड्स। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? हार्ड भैया कहने की बात का केवल ये है कि हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको क्या कौन कवर कर पाता है, सोप कवर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि सोप क्या होती है, सोल्यूबल नहीं होती है वाटर में, और उसको कवर करने के लिए हमने एक नई टेक्निक बना दी जिसका नाम हमने रख दिया डिटर्जेंट, है ना, जो आप घर में यूज करते हैं अपने टाइड व्हील। मैंने आपको बताया अभी अभी, निर्मा काफी पुराना है। देखें आप डिटर्जेंट को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डिटर्जेंट, आपको क्या लिखा हुआ है, क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉश क्लॉथ्स विद सोप व्हेन द वाटर इज हार्ड, दीज डिफिकल्टीज हैज बीन ओवरकम बाय यूजिंग अनदर काइंड ऑफ क्लीनिंग एजेंट कॉल्ड डिटर्जेंट्स। आगे देखेंगे, डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स, ठीक है, बिकॉज थ्रू दे एक्ट एज लाइक अ सोप इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट कंटेन द अनयूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टीरेट। डिटर्जेंट में क्या होता है, सोप की तरह क्या होता है भैया, डिटर्जेंट की तरह सोप की तरह क्या होता है, सोडियम स्टीरेट नहीं होता है, इसलिए हमने डिटर्जेंट का दूसरा नाम क्या बोला है, सोपलेस सोप, यानी साबुन के बिना एक अलग तरह की साबुन। समझ गए? चलो, डिटर्जेंट आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इन सोल्यूबल कैल्शियम, और डिटर्जेंट फॉर्म्स लेदर इजिली इवन इन हार्ड वाटर। याद रखेंगे आप, आपके सामने स्क्रीन पर देखें जरा, इसके कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूं। देखें जरा, पहला एग्जांपल दिया हुआ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड, ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है, याद रखना। अगर वन मार्क्स में पूछा जाए कि डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है या उसका नेम क्या होता है, तो याद रखेंगे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड्स, नंबर ऑफ कार्बन कन्वर्ट हो सकते हैं, और C12H25SO4- एंड नेम प्लस। यहां पर भी नेगेटिव पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, C12H25SO4- होगा और Na+ पॉजिटिव पोर्शन होगा। कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, किस नाम से पूछा गया था, एग्जाम में कुछ सवाल आया था कि एक्सप्लेन SLS, समझ रहे आप इस बात को। अब SLS का मीनिंग क्या होता है, ये वही बता पाएगा जिसने अच्छे से चीजों को स्टडी किया हो। क्लियर है बात? तो SLS का मतलब क्या होता है, ये मैंने सामने लिख दिया है। S का मीनिंग क्या होता है, सोडियम, L मीनिंग लॉरियल, एंड द S इज सल्फाइड, और फॉर्मूला क्या होता है। अब ये भी पूछ सकता है कि SLS का फॉर्मूला बताइए, तो याद रखिएगा SLS क्या होता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड का ही दूसरा नाम है, और फॉर्मूला हो जाता है C12H25SO4- Na+। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई। चलो जी, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, C12H25 और SO4 को मैंने यहां पर ओपन कर दिया है, एक ऑक्सीजन ऊपर है, एक नीचे है और एक राइट में है। क्लियर बात समझ में आ गई? कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जाम में जो आए जाते हैं, CH3CH2 का होल 11, C6H4SO3- Na+, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एन डोडियोल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, और ऐसे सेकंड दे रखा है सोडियम एन डेडोगेल सल्फेट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब लास्ट ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन क्या, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, अब देखो यहां पर मैंने सारे डिफरेंस नोट किए हैं, ठीक है। देखो नंबर वन क्या बताया गया, सोप्स आर द सोडियम साल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। सोप जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है।
डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो डिटर्जेंट होता है वो लॉन्ग चेन तो होता है लेकिन हाइड्रोकार्बन का कार्बोक्सिलिक का नाम ओके किसका होता है सल्फोनिक एसिड्स का। तो याद रखेंगे भैया यहां से एक बात जरूर याद रखना कि सोप कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है और डिटर्जेंट क्या होता है सल्फोनिक एसिड का बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है। और आयोनिक ग्रुप याद रखेंगे सी डबल माइनस एन ए प्लस और एसओ थ्री माइनस एन ए प्लस। सोप्स आर बायोडिग्रेबल एंड सम डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेबल। ठीक है सोप यानी बायो के टेक्निक से वो नहीं बनाए जा सकते। ठीक है सोप्स आर रिलेटिवली वीक एक्शन ऑफ क्लींजिंग। ठीक है डिटर्जेंट आर स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। सोप से हो सकता है कि आपका दाग धब्बा जो भी आपकी शर्ट या कपड़ों पर है वो ना धुले लेकिन डिटर्जेंट से ऐसा होगा नहीं। समझ दूसरी या तीसरी बारे में हो जाएगा। क्लियर है बात। इतनी बात आपको समझ में आ गई डिटर्जेंट्स के बारे में। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और उम्मीद रखना कि यही से आपका क्वेश्चन लगेगा इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया एक बेहतरीन सीरीज में लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए जिसमें मैं क्या करूंगा सैंपल पेपर प्लस लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको सामने करूंगा। प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक बार बायोलॉजी का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दें फिर प्रीवियस ईयर करने में अलग ही मजा आएगा। ठीक चले बात करते हैं सामने। अब यूजेस देख लेते हैं डिटर्जेंट के। देखेंगे नंबर वन यूजेस क्या बताएगा डिटर्जेंट हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर सोप ड्यू टू व्हिच दे आर रिप्लेसिंग सोप एज वॉशिंग एजेंट्स। सेकंड क्या बताएगा डिटर्जेंट्स इवन कैन बी यूज्ड विद हार्ड वाटर वेयरएज सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर अस विद हार्ड वाटर। है ना कुछ जगह जहां हार्ड वाटर यूज किया जाता है वहां पर डिटर्जेंट ही यूज करना चाहिए। क्लियर है बात समझ में आई। नहीं तो सोप यूज करने का कोई यहां पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई जब धूल मिट्टी के कण हटेंगे नहीं तो साबुन से घिसके करोगे क्या कपड़ा और फट जाएगा आपका। ठीक है चलो जी डिटर्जेंट आर अ स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन देन सोप। डिटर्जेंट तो होता है वो कैसा होता है स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन का होता है यानी ज्यादा धुलाई करता है कपड़ों की। ठीक है जैसे आपके घर में आपके पापा करते हैं मम्मी से ज्यादा धुलाई कौन करता है आपके पापा करते हैं ऐसे ही कपड़ों में सबसे ज्यादा धुलाई कौन करता है आप ऐसा समझिए डिटर्जेंट यहाँ पर पापा है और सोप जो है मम्मी है। समझ में आ गई बात। चलो जी डिटर्जेंट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोप। डिटर्जेंट क्या होता है ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है देन सोप जल्दी घुल जाता है आपने देखा वॉशिंग मशीन में एक लिया मम्मी ने लिया उसमें से निकाला और उसके अंदर डाला डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है और डाल के घुमा दिया और घुमा के क्या बन गया बताओ एकदम से मेल्ट हो गया लेकिन साबुन मेल्ट नहीं होती है। समझ में आ गई बात। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चे लोग चले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं यकीन मानिए इसी कंटेंट से आपका एग्जाम क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है सैंपल पेपर के तैयार रहिए जितना मैंने आप तक करा दिया है उस सबको अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी सैंपल करने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों जय हिंद जय भारत।